गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 16th एंड 17th ऑफ अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो मैक्सिको इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर एक आर्टिकल दिया था, उसके ऊपर हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। कॉफी क्लब क्या है इसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। देन एनवायरमेंट इकोलॉजी से एक्वापॉनिक्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को देखेंगे। अमृत मिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो कि प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। देन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में देखेंगे। लेपर्ड के बारे में न्यूज थी इसको डिस्कस करते हुए। स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर एक एमसीक्यू हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। अभी रिसेंटली जो न्यू मेंबर्स हैं उनको वेलकम कर लेते हैं जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है। सो आलोक ने, अरविंद त्रिपाठी, भावना, राहुल, मनीष प्रकाश शर्मा, सौरभ, हिमांशु शाक्यावार, राजन सैनी एंड निधि ने हमें ज्वाइन किया है। सो वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स। सो द कोट सेज डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम नेवर। यूपीएससी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे इसको, देखिए कुछ चीजें जो हैं, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज जो होती है, साथ में आपका जो शेड्यूल आपने बनाया होगा, ये सब चीजें ऐसी होंगी जो कि आपको एवरीडे बेसिस पे कवर करनी पड़ेंगी। और एवरीडे बेसिस पे ये चीजें कवर करना आपके लिए एक चैलेंज होगा। बहुत बार आप कोशिश करेंगे कि न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ के हम कल कर लेंगे, शेड्यूल अगर आज फॉलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो मत करिएगा। आप अपना शेड्यूल बिल्कुल स्मार्टली बनाइएगा जो आप एक दिन में कवर कर पाए, और न्यूज़पेपर को एवरीडे बेसिस पे, न्यूज को एवरीडे बेसिस पे कवर करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर आप उसे कल पे डालना शुरू करते हैं तो बिलीव मी दैट टुमारो विल नेवर कम, और वो चीज आपकी कभी कवर नहीं हो पाएगी, वो न्यूज तो फिर आप कवर करना भूल ही जाइए। तो यहां पर कुछ आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही पड़ेगा कंसर्निंग योर शेड्यूल। जो आज का है उसे आज ही कवर करिए, जो न्यूज़पेपर या न्यूज आज की है उसे आज ही कवर करिए, कल के ऊपर उसे मत डालिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। कवर करने के लिए चीजें पाइल अप होने लगेंगी और उसके बाद फिर जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो अपने आप ही नीचे आने लगेगा, तो वो चीज कभी भी मत होने दीजिएगा अपने साथ। चलिए यहां पे यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज जो 2021 है उसको स्टार्टिंग से ही अभी से ही लॉन्च करने का रीजन ये है ताकि मई जून के अंदर जाकर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका इतना स्ट्रांग हो चुका हो कि आपको पता हो कि एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर ही जाने वाले हैं। तो अगर आप अभी से ही, इसी स्टेज से ही, आज के दिन से ही अगर शुरुआत करते हैं, अक्टूबर महीने से ही शुरुआत करते हैं, तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग फाउंडेशन जो है वो आपकी क्रिएट हो पाएगी। और साथ के साथ एक डिसिप्लिन तरीके से अगर आप टेस्ट करते जाते हैं तो लास्ट में जाके दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी नहीं, मैं 2021 से टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करूंगा, तो बिलीव मी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अक्टूबर से ही इसको स्टार्ट कर चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने पहले ही वो यूटिलाइज कर चुके होंगे जो कि आप 2021 के जनवरी के महीने से करने लगेंगे, तो 3 महीने वो आपसे एडवांस चल रहे होंगे। तो कोशिश करिए आप मॉक टेस्ट सीरीज जो है किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाना चाहते हैं वो लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी से ही करने लगेंगे तो प्रैक्टिस आपकी काफी अच्छी हो जाएगी। 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कंपेयर टू योर कंपेटिटर्स, तो मॉक टेस्ट सीरीज जरूर लगाना शुरू करिएगा इसी महीने से ही। और जो नेटमॉक की टेस्ट सीरीज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और डायरेक्टली आप exam.netmock.com पर भी जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए मार्क्स आपको पता ही है, बेसिकली एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने होते हैं, 6 कम से कम एमसीक्यूज आप करेक्ट करिएगा। 6 से अगर कम करेक्ट कर पाते हैं तो उसे दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन जो मैं आपको देता हूं वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 6 से ज्यादा अगर आप करेक्ट कर पाते हैं तो 24 आवर्स में आप एक बार उसे रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मैक्सिको इंडिया रिलेशंस। तो यहाँ पे मैक्सिको के ऊपर स्टेटमेंट्स दिए 3 इंडिया को लेकर, और पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है मैक्सिको इज करेंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका के अंदर जो मैक्सिको है वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बोथ कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ G20। क्या मैक्सिको और इंडिया दोनों ही G20 के मेंबर्स हैं? यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग को लेकर भी नॉलेज टेस्ट हो रही है। मैक्सिकन वीट वेराइटीज यूज इन इंडो मैक्सिकन हाइब्रिड्स वर द बैकबोन ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मैक्सिको की जो वीट वेराइटी है वो जब इंडिया का हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था उसके अंदर उसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एक तरीके से बैकबोन का रोल प्ले किया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो यहां पे रिसेंटली 5th मीटिंग हुई है इंडिया मैक्सिको के बीच में, जिसे हम कहते हैं BHLG। BHLG का क्या मतलब है? बायलेटरल हाई लेवल ग्रुप ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन। तो यहां पे ट्रेड की बात हुई है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कॉपरेशन की बात हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग करी गई है, और लास्ट मीटिंग जो थी वो 2016 के अंदर, दिस वॉज द 5th मीटिंग, और लास्ट जो 4th मीटिंग थी वो 4 साल पहले करी गई थी। तो वैसे भी ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अभी रिसेंटली ही अगस्त के महीने में 1st ऑफ अगस्त को इंडिया और मैक्सिको ने अपनी 70th एनिवर्सरी जो थी
डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने की, उसे सेलिब्रेट किया था, उसे ऑब्जर्व किया था। अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। मैक्सिको इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की बात करी जाए तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और यहां पे दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो G20 के मेंबर्स हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। G20 के मेंबर्स आपसे पूछे जा सकते हैं, G7, 8, G4, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। देन मैक्सिकन वीट वैरायटीज होती, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे उसने हमें हेल्प करी थी, एक तरीके से बैकबोन का रूप उन्होंने लिया था, तो यस मैक्सिकन वीट वैरायटीज ने हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाने के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तीनों स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती हैं, आंसर हमारा हो जाएगा डी। यही सारी चीजें अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इंडो मैक्सिकन रिलेशन के ऊपर, क्योंकि देखिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूछा जाएगा सबको पता है, इंडिया चाइना के ऊपर पूछा जाएगा वो भी सबको पता है, इंडिया यूएस या इंडिया रशिया के बारे में पूछा जाएगा वो भी सबको पता है, क्योंकि ये सब चीजें एवरीडे बेसिस पे न्यूज में आती है। लेकिन मान लीजिए इंडिया और मैक्सिको के बारे में पूछा जाता है, इंडिया ब्राजील के बारे में पूछा जाता है, इंडिया और युगांडा के बारे में पूछा जाता है, जो लेसर नोन कंट्रीज है, इंडिया साउथ अफ्रीका के बारे में पूछा जाता है, अदर देन ब्रिक्स आप क्या बताएंगे उसके अंदर। तो इन सब कंट्रीज को लेकर जब इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के अंदर आती है तो आपको नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन में आएगा तो वहां पर पॉइंट्स आपको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नोट्स बना रखे होंगे और नोट्स को रिवाइज किया होगा तो चाहे वो इंडिया मैक्सिको पूछे, इंडिया यूएई पूछे, इंडिया युगांडा पूछे, इंडिया रवांडा पूछे, आप उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं इसे। तो यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर टच कर रहा है, और वैसे भी यूनाइटेड स्टेट्स के लेकर ये काफी न्यूज में था, क्योंकि यूएस एक वॉल बनाने की बात कर रहा था मैक्सिको के साथ, आपने ट्रंप को इसके बारे में बात करते हुए काफी बार सुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कॉफी क्लब के बारे में, पूछा गया कॉफी क्लब को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली से अपन कहते हैं इट्स एन इनफॉर्मल क्लब, ये कोई फॉर्मल क्लब नहीं है, इनफॉर्मल लेवल का एक क्लब है जिसके अंदर 40 ओड मेंबर स्टेट्स है, 40 कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट्स है। इट सपोर्ट्स द रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर बिगर नेशन, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लिए ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो पर्टिकुलर क्लब है, ये कहता है कि यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म्स होने चाहिए। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कॉफी क्लब के बारे में। तो मैक्सिको न्यूज में था, इस वजह से कॉफी क्लब भी न्यूज में था, और यहां पे कॉफी क्लब का एक और नाम है जिसको कहा जाता है यूएफसी, दैट इज यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, या फिर आप कह सकते हैं इसको याद करने का तरीका जो है वो ये है यूनाइटेड फॉर क्रिटिसिज्म या यूनाइटेड फॉर काउंटरिंग, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो भी कह रहा है यूएनएससी के अंदर हमें मेंबरशिप चाहिए, जापान भी इसके बारे में बात कर रहा है, ब्राजील भी बात कर रहा है, और जर्मनी भी बात कर रहा है, तो इन कंट्रीज को काउंटर करता है ये कॉफी क्लब। ठीक है, तो एक जगह तो G4 कंट्रीज है, G4 में कौन है, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है, ब्राजील है, और दूसरी तरफ है आपका कॉफी क्लब, ठीक है, जिसको आप यूएफसी भी कह सकते हैं, दैट इज यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, याद रखने का तरीका, यूनाइटेड फॉर क्रिटिसिज्म या फिर यूनाइटेड फॉर काउंटरिंग G4, ठीक है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है यूएनएससी के अंदर अब उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या ये इनफॉर्मल क्लब है, तो यस इट इज एन इनफॉर्मल क्लब जिसके अंदर 40 के आसपास मेंबर्स हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। तो ये क्या कहता है, क्या ये बड़ी कंट्रीज के लिए रिफॉर्म की बात करता है, तो नहीं, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस जो है उसका बेसिक काम यह है कि जो यूएनएससी है उसके अंदर इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील को सीट नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अपोज करता है एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, तो क्योंकि हर कोई यूएनएससी के अंदर परमानेंट मेंबरशिप की बात करता है, जैसे कि इंडिया भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो कॉफी क्लब है वो इंडिया को काउंटर करता है क्योंकि पाकिस्तान जो है इस कॉफी क्लब का मेंबर है, तो पाकिस्तान कहता है कि इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलनी चाहिए। उसी तरीके से जो वेरियस अदर कंट्रीज हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि जर्मनी को कौन काउंटर करता है, इटली और स्पेन जो है, क्योंकि देखिए जर्मनी के पास में ही है, ज्योग्राफिकली ये जर्मनी के पास ही है, और इनको पता है कि अगर जर्मनी यूएनएससी का मेंबर बन जाएगा तो काफी पावरफुल हो जाएगा, तो जर्मनी को ये काउंटर करते हैं कि यूएनएससी की मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का बॉर्डर इंडिया से लगता है, तो इस वजह से पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि अगर इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरियस कंट्रीज है जो अपने आसपास की कंट्रीज को ही काउंटर करती है, जैसे कि पाकिस्तान मैंने आपको बताया, इटली है, स्पेन है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया है, अर्जेंटीना है एंड कैनेडा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीसरी स्टेटमेंट गलत होने की वजह से आंसर ए हो जाएगा। मैं आपको कॉफी क्लब के मेंबर्स दिखा देता हूं यहां पर मैप के ऊपर,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर है। अभी रिसेंटली सेंटर ने कहा था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, इसको हम कॉर्पोरेटाइज करेंगे, ठीक है। और वहां के जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने इस चीज का विरोध किया है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि एक प्राइवेट सेक्टर की जो स्पिरिट होती है, जब भी वो गवर्नमेंट सेक्टर में लाने की बात करी जाती है, ट्रेड यूनियंस उसका विरोध करती है, ठीक है। अगर आपको याद हो, जब हम बैंकिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटराइजेशन लाने की बात कर रहे थे, तब भी पूरा जो बैंकिंग सेक्टर था उसने इस चीज का विरोध किया था, लेकिन आज उन्हें ही और लोगों को ही इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो जब भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कुछ भी नई चीज लेके जाने की कोशिश करी जाएगी, एक जो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि उस चीज को नहीं आने देना है, उस चीज से कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। लेकिन ऐसा किसी को भी नहीं पता। मुझे लगता है कि जब कॉर्पोरेटाइजेशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, जो कि दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आप अपने सेटअप के अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज का विरोध, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वही लोग करते हैं जो कि इस चीज को नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेटअप के अंदर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आए, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में पहली सेटिंग क्या कहती है, इट इज एन एम्ब्रेला बॉडी फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए ये एक एम्ब्रेला बॉडी है। द फर्स्ट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वॉज सेटअप इन द ईयर 1712 बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1712 में पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सेटअप किया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम एक कॉर्पोरेटाइजेशन या फिर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है वो लाने की कोशिश करें ओएफबी के अंदर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर। अब बात करते हैं इस फैक्ट्री के बारे में। तो इज इट एन अम्ब्रेला बॉडी? यस, इट इज एन अम्ब्रेला बॉडी फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। इससे मिलते जुलते जो इसके साथ के इंस्टीट्यूशन है उनके लिए भी एक अम्ब्रेला बॉडी है, और ये किसके अंदर आती है? एमओडी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, तो क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 1712 में बनाया गया था? बिल्कुल ठीक है, 1712 में बनाया गया था, लेकिन अगर स्टेटमेंट यहां तक होती तो ठीक होती। बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वॉज नॉट क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे नहीं बनाया था, रादर डच कंपनी ने। अगर आपने मेरे हिस्ट्री के लेक्चर देखे हैं, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो आपको पता होगा कि डच का ज्यादा रोल नहीं है, इवन हिस्ट्री की बुक्स में ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को यहां पर बनाया गया था एज अ गन पाउडर फैक्ट्री इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पर इसे बनाया गया था। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाती है, और थर्ड भी, क्योंकि हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? कोलकाता के अंदर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी का है, एक्वापोनिक्स के बारे में पूछ रहा है कि एक्वापोनिक्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है, एक्वापोनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस हाइड्रोपोनिक्स, सोइल लेस एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर विद इन अ क्लोज सिस्टम। तो एक्वापोनिक्स, पहले तो ये देखिए कि क्लोज सिस्टम में होता है, और इसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स आता है, सोइल लेस एग्रीकल्चर आता है, और एक्वाकल्चर आता है, हो सकता है। देर आर थ्री बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट्स इन द एक्वापोनिक प्रोसेस। तीन बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे कि फिश, प्लांट्स, बैक्टीरिया। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि सीडेक ने, सीडेक इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ने एक्वापोनिक फैसिलिटी जो है उसे डेवलप किया है मोहाली के अंदर। तो सीडेक का जो रोल है वो काफी कॉन्स्पिक्यूस है, क्योंकि सीडेक का जो हम रोल वैसे सुनते हैं सुपर कंप्यूटिंग के अंदर सुनते हैं, और ये एग्रीकल्चर एरिया के अंदर अब आ रहा है। किस तरीके से, बेसिकली जो एफर्ट किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि किस तरीके से सुपर कंप्यूटिंग को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किया जा सकता है। फंडिंग सपोर्ट कौन दे रहा है इसके अंदर? मीटी जो है वो फंडिंग सपोर्ट दे रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं बेसिक टॉपिक के बारे में, एक्वापोनिक्स क्या, कंबाइन करते हैं हाइड्रोपोनिक्स को सोइल लेस एग्रीकल्चर को। तो इसमें जो एग्रीकल्चर होता है उसमें सोइल यूज नहीं करी जाती, हाइड्रोपोनिक्स में पानी को यूज किया जाता है, और एक्वाकल्चर के अंदर भी रिलेटेड सिस्टम रहता है। तो पहली सिस्टम आपका यहां पे, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। क्या इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है उसमें फिश, प्लांट्स, बैक्टीरिया तीनों को इंक्लूड किया जाता है? तो यस, दे आर थ्री बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एक्वापोनिक प्रोसेस के अंदर, तीनों को ही कंपोनेंट जो है यहां पर कंसिडर किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। एक्वापोनिक सिस्टम का एक इन्फोग्राफिक देखिए, तो यहां पे नीचे फिशेज हैं, फिशेज का इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहां पे अमोनिया जो होता है फ्रॉम फिश, ये आपका पौधों के अंदर जा रहा है, और बैक्टीरिया जो होता है इसमें अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि इस्तेमाल किया जाता है फर्दर। और फाइनली जो नाइट्रेट होता है वो प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और फिर वाटर जो होता है जो यूज किया गया था अभी वो रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन उसमें अमोनिया नहीं होता क्योंकि वो तो ऑलरेडी नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जा चुका है। तो फिर फिशेज क्या करेंगे, दोबारा से ही
अमोनिया रिच पानी जो होगा वो ऊपर भेजेंगी और फिर नीचे ये पूरा प्रोसेस साइकिल जो है ये कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये जो पर्टिकुलर फैसिलिटी बनाई गई है सीटेक के द्वारा 100% ऑर्गेनिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में बात कर रहा है, पूछा गया इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया था और इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अवेयरनेस को रेज करना है। जो इस तरीके के डेज मनाए जाते हैं लार्जली उसके अंदर यही होता है, कोई ना कोई आपका थीम होगा जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कोई ना कोई पर्टिकुलर डे होगा उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और अवेयरनेस के लिए यूजली ये सब चीजें सेलिब्रेट करी जाती है, ऑब्जर्व करी जाती है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में 10th of October को एवरी ईयर इसे ऑब्जर्व किया जाता है। मे बी थीम इस बार का क्या है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑन द ओकेजन होस्टेड द फर्स्ट एवर ऑनलाइन एडवोकेसी इवेंट इन मेंटल हेल्थ। तो ये जो पर्टिकुलर ऑनलाइन इवेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा होस्ट किया गया था। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है तो कौन ऑब्जर्व करेगा, कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑब्जर्व करेगी। तो यहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी रिसेंटली 10th of October को जो ये इवेंट है इसको ऑब्जर्व किया और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी, क्योंकि देखा गया COVID-19 पेंडेमिक के दौरान जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को लेकर, चाहे वो डिप्रेशन को लेकर हो, एंजाइटी को लेकर हो या फिर दूसरी कुछ रिलेटेड कंसर्न हो। तो यहां पर 10th of October एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और इस बार का जो थीम दिया है वो भी बिल्कुल करेक्ट दिया है। यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहली दो स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, आंसर विल बी ए। तो जानकारी इसके बारे में बेसिक आपको होनी चाहिए जो हमने यहां डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्री कम मेन सीरीज कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज है ये आपको exam.netmock.com पे मिल जाएगी, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहां पर इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो तो मिलती है और साथ में जितनी भी हमारी वीडियो सीरीज है वो भी आपको मिलती है, और साथ में अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस चाहिए प्रीलिम्स को लेकर, मेंस या फिर इंटरव्यू को लेकर, वो भी आपको यहां पर मिल जाती है। यू कैन कॉल मी, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आप उससे बात कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, वो टाइम टू टाइम आप रिड्रेस करा सकते हैं जब तक कि इंटरव्यू आपका क्रैक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है अमृत मिशन के बारे में। अमृत मिशन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है लेकिन दोबारा से न्यूज में था, नए फैक्ट्स नए कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अमृत मिशन के बारे में पूछा गया 3 स्टेटमेंट्स को लेकर कि क्या इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, हो सकता है। इसका एम क्या है, एम्स टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड हैज एक्सेस टू अ टैप विद द एश्योर्ड सप्लाई ऑफ वाटर एंड सीवेज कनेक्शन। तो हर किसी के घर पानी का जो एक कनेक्शन है वो होना चाहिए, पानी का नल होना चाहिए और एक सीवेज कनेक्शन भी होना चाहिए। इट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सोचिए, चलिए तो सबसे पहले ये जानिए कि न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी हमारे यहां पे 2 माउंटेनियस स्टेट्स उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश इनको अप्रिशिएट किया गया है क्योंकि अमृत मिशन को बहुत अच्छे से ये दोनों स्टेट्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं और बाकी के स्टेट्स को इन दोनों स्टेट से सीखना चाहिए किस तरीके से। देखिए, एक तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंपोनेंट जो था वो भी इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर दिया गया था। इसमें दोनों ही स्टेट्स ने कैच द रेन करके एक कैंपेन स्टार्ट किया ताकि जो पानी बारिश से हमें मिलता है, जो रेन वाटर हमारा होता है, हम उसको प्रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके और उसको यूटिलाइज कर सके। और ये काफी अच्छा एग्जांपल दोनों स्टेट्स ने हमारे यहां पे सेट किया है। मिनिस्ट्री कौन सी है इसको लेकर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। और जो हमारी ये मिनिस्ट्री वाली स्टेटमेंट थी, ये क्रूशियल स्टेटमेंट थी, आप जानते हैं क्रूशियल स्टेटमेंट अगर आप करेक्ट इनकरेक्ट कर पाते हैं तो फिर क्वेश्चन का आंसर करना सीधा ही इजी हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर आपने तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया, ए बी सी तीनों ही एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये क्रूशियल स्टेटमेंट थी, आंसर डायरेक्टली आपका डी हो जाएगा। फिर भी आप एक बार यहां पर पढ़ लीजिए, इट वॉज लॉन्च इन 2015, तो यस 2015 में इसे लॉन्च किया था। इट एम्स टू इंश्योर दैट एवरी हाउस होल्ड को एक नल मिलना चाहिए, एक टैप वाटर कनेक्शन मिलना चाहिए और सुएज कनेक्शन जो है वो भी उसको मिलना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कोशिश करिएगा जब भी आप 100% श्योर हो कि इसकी मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं है और आपने ये स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दी, तो सीधा ही आप डी को मार्क कर सकते हैं, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम के अंदर, काफी टाइम भी आपका सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है पुट द फॉलोइंग सुपर कंप्यूटर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि टेराफ्लॉप्स के अंदर स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर्स की, और यहां पे चार कंप्यूटर्स जो है वो दिए गए हैं, और आपको बताया कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, फिर सेकेंड नंबर पे किसकी है, और थर्ड नंबर पे किसकी और फोर्थ नंबर पे किसकी है, ये आपको बताना है इन सुपर कंप्यूटर्स को लेकर। क्योंकि रिसेंटली सीडेक जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने 13 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, किसके साथ, प्रीमियर अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो क्योंकि यहां पे जो सीडेक है सुपर कंप्यूटर मिशन के लिए और सुपर कंप्यूटिंग इंडिया के अंदर लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस वजह से इंस्टीट्यूशंस को यहां पर प्रोबेबली सुपर कंप्यूटर्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे अंडर दिस एमओयूज। यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, फिर किसकी है, देन एंड रैंकिंग वाइज लगाइए। चलिए सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो हमारा है उसके बारे में भी कुछ मैं आपको बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। 2015 में इसको अनाउंस किया गया था और एम यही था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है सुपर कंप्यूटिंग के अंदर। इसकी जो जो कॉस्ट लगाई गई थी वो 5,000 करोड़ के आसपास थी, और कहा गया था कि जो पूरा सुपर कंप्यूटिंग का जो पूरा सिस्टम है वो इंडिया के अंदर लेके आना है ताकि वेरियस फील्ड्स के अंदर हेल्प करी जा सके। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है इसे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीटी कह सकते हैं, और सीडेक के थ्रू ऐसा किया जा रहा है, साथ में IISc बैंगलोर भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं अपने कंप्यूटर्स की स्पीड्स के ऊपर। तो यहां पे प्रत्यूष जो है इसकी स्पीड 4,006 टेराफ्लॉप्स है, मिहिर की 2,808, फिर INC1 है 1,413, देन सर्क है 1,244, आई डेटा प्लेक्स है 790.7। तो अगर यहां पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रत्यूष की थी, फिर मिहिर की थी, फिर सर्क की थी, फिर आई डेटा प्लेक्स की थी। तो ऑलरेडी ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए ही गए हैं। चलिए आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नाम भी जरूरी है, पूछा जा सकता है कि क्या ये सुपर कंप्यूटर है या नहीं है, या फिर पहला सुपर कंप्यूटर हमारा कौन सा था। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जो कि लेपर्ड को लेकर है। पूछा गया लेपर्ड को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज स्प्रेड अक्रॉस इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो यहां पे पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तेंदुआ जो है वहां पर पाया जाता है। देन मेलानिज्म इज अ कॉमन अक्रेंस इन लेपर्ड। तो मेलानिज्म जो होता है ये एक कॉमन अक्रेंस होती है तेंदुआ के अंदर, क्या होता है ये देखेंगे हम इसको। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर शेड्यूल 2। इसे प्रोटेक्ट किया गया है हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 2 के अंदर, सोचिए। चलिए तो अभी रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट करी गई है कर्नाटका के अंदर, और कहा गया है कि वहां पर ह्यूमन लेपर्ड पॉलिसी गाइडलाइंस जो है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करे, क्योंकि आए दिन हमें न्यूज मिलती है कि कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर तेंदुआ घुस गया, उस पर्टिकुलर सिटी के अंदर लेपर्ड पाया गया, और फिर क्या होता है एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट, और होता है कि इवेंचुअली एनिमल को वहां पर मार दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम जो ये जीव है उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखना चाहते हैं तो ये जो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट है इसको सही करना पड़ेगा, एक अच्छे से इसको मैनेज करना पड़ेगा, और ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जो है हमारी उसको ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है तो क्या यहां पे जो तेंदुआ है वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, और मेलानिज्म एक आप कह सकते हैं अक्रेंस होती है जिसमें जो तेंदुआ होता है जो लेपर्ड होता है उसकी पूरी स्किन ब्लैक कलर की हो जाती है और इसमें जो स्पॉट्स होते हैं वो भी ब्लैक हो जाते हैं। तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, तो ये आपका लेपर्ड है तो पूरी स्किन जो है वो डार्क कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द मेलानिज्म। ठीक है तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी करेक्ट है। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यस वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है तेंदुए को, लेकिन अंडर शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 के अंदर ऐसा किया गया है ना कि शेड्यूल 2 के अंदर। तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा ए। मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर पूछा जाएगा, तो वहां पे आपको बताना है इस कर्नाटका की रिपोर्ट के बारे में। वहां आपको कुछ जो एग्जाम्पल्स है, जो इंस्टेंसेस है, रीसेंट इंस्टेंसेस की तेंदुआ कहां पाया गया, किस सिटी में घुस गया, और वहां पर शायद लोगों के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लोगों ने उसे मार दिया। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस और केस स्टडीज आपको अपने मेंस के आंसर में जरूर लिखनी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। स्टार्स प्रोजेक्ट किससे रिलेट करता है, एस्ट्रोनॉमी से, डिजास्टर मिटिगेशन से, एजुकेशन से, या फिर मैन्युफैक्चरिंग से, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने वर्ल्ड बैंक एडीडेक प्रोजेक्ट है स्टार्स प्रोजेक्ट, स्टार्स के फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स, राज्यों के लिए टीचिंग लर्निंग के जो रिजल्ट्स हैं वो इंप्रूव करना, वो स्ट्रेंथन करना। ये जो प्रोजेक्ट है 5,000 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है और वर्ल्ड बैंक इसमें 3,700 करोड़ का एड दे रहा है।
तो अभी इसे इंप्लीमेंटेशन करने के लिए अप्रूवल जो है वो दिया गया मिनिस्ट्री के द्वारा। स्टार्स प्रोजेक्ट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। फोकस हमारा यही रहेगा कि जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्स के ऑब्जेक्टिव को अलाइन करना और क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम्स को अचीव करना। ठीक है, तो सी हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड बैंक एडिट प्रोजेक्ट है ये भी, इसमें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछ रहा है, दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और पूछा गया कि किस पर्टिकुलर इफेक्ट की बात हो रही है। यहां पे पहली स्टेटमेंट कहती है टू सेलेस्टियल बॉडीज अपियर इन अपोजिट डायरेक्शन इन द स्काई। जब दो सेलेस्टियल बॉडीज जो है एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्काई के अंदर, दीज पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स आर द बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व द प्लैनेट्स। ये एक ऐसा टाइम होता है जब आप बेस्ट तरीके से प्लैनेट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, क्या इसे एज इफेक्ट कहते हैं, ऑक्शन इफेक्ट कहते हैं, अपोजिशन इफेक्ट कहते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कंसीडर कर सकते हैं, पूछा जा सकता है अपोजिशन इफेक्ट के बारे में। देखिए अपोजिशन इफेक्ट, पहले तो मैंने आपको आंसर ही बता दिया, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या। अपोजिशन इफेक्ट जो होता है इसके हिसाब से जब भी दो प्लैनेट्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो प्लैनेट्स को देखने का मजा ही अपना अलग होता है, बिकॉज जो प्लैनेट्स होते हैं वो ब्राइटर दिखते हैं। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है आप देखेंगे अपोजिशन इफेक्ट के अंदर किसी भी प्लैनेट को जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल अपोजिट आपसे है, तो वो ब्राइटर दिखेगा और बिगर दिखेगा, यूजुअली अपने यूजुअल ब्राइटनेस से अपने यूजुअल साइज से बड़ा दिखेगा और ज्यादा चमकीला दिखेगा। ठीक है, अपोजिशन इन एस्ट्रोनॉमी इज द सर्कमस्टेंस इन विच टू सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है स्काई में। तो पहली स्टेटमेंट तो हो जाती है ठीक हमारी। देखिए जब ये भी होता है, जब फुल मून होता है, अर्थ बीच में होती है, सन हो गया और मून हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी ये माना जाता है कि मून जो है जब फुल है उसे सन के अपोजिट माना जाता है, अर्थ के अपोजिट माना जाता है, और तब मून जो होता है फुल मून होता है और उसे देख के भी वो बेटर लगता है बाकी दिनों से। ठीक है, तो इसी तरीके से ही अक्टूबर 13 को जो मून था, अभी रिसेंटली जो अक्टूबर 13 गया वो अर्थ के बिल्कुल अपोजिट था, तो जो टेलीस्कोप में रुचि रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी हॉबी है, उन्होंने जरूर देखा होगा कि जो मार्स है वो बिगर लग रहा था साइज में और ज्यादा ब्राइट लग रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा नेक्स्ट ये जो मौका मिलने वाला है आपको दिसंबर 8, 2022 को मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो क्वेश्चन बात कर रहा है टू सेलेस्टियल बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में होती है, बिल्कुल सही है, और दीज पोजिशन ऑफ द प्लैनेट्स आर बेस्ट टाइम टू ऑब्जर्व द प्लैनेट, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये कब होता है, अपोजिट इफेक्ट के दौरान होता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, अभी पूरा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर, और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दूंगा और विनर ऑफ द डे भी हम देखेंगे। शुरुआत हमारी हुई थी मैक्सिको को लेके, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, G20 के मेंबर्स हैं और मैक्सिको तो आपके जो यूनाइटेड फॉर कंसेंसस है जो कॉफी क्लब है उसका भी मेंबर है और क्रिटिसाइज करता है काफी सारी कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप के अंदर। यहां पे मैक्सिको को लेके हमने बात करी थी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हेल्प किया था, और अभी रिसेंटली 5th मीटिंग जो हुई है इंडिया मैक्सिको बायलेटरल हाई लेवल ग्रुप की, वो भी हमने यहां पे डिस्कस करी थी। देन कॉफी क्लब के बारे में देखा था जिसमें पाकिस्तान भी आता है और हमने इसकी पूरी जानकारी ली थी, 48 मेंबर्स हैं, ये एक तरीके का इनफॉर्मल क्लब है, ध्यान रखिएगा सारी कंट्रीज इसके अंदर है। फिर हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में देखा था, ट्रेड यूनियंस जो है वो मना कर रही है कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए, और साथ में ही हमने देखा था इसके हेडक्वार्टर के बारे में, कोलकाता में है, डच कंपनीज को लेकर आई थी, गन पाउडर फैक्ट्री के तौर पर इसे स्टार्ट किया गया था। देन एक्वापोनिक्स देखा था, सीडेक का ये इनिशिएटिव था, इसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि कैसे अमोनिया रिच वाटर जो है वो जाता है फिर उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके फिशेस को वापस कर दिया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th of October थीम डिस्कस किया था और WHO इसे ऑब्जर्व कर रही है अवेयरनेस फैलाने के लिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, हमने बात करी थी जो कि अमृत मिशन के बारे में था, हिमाचल और उत्तराखंड का एग्जांपल दिया था, अच्छे से काफी ये इंप्लीमेंट किया है, कैच द रेन कैंपेन जो है वो भी दोनों स्टेट्स ने स्टार्ट किए हैं ताकि कंजर्वेशन किया जा सके, वाटर रेन हार्वेस्टिंग कर सके। फिर हमने देखा था सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड के बारे में, तो प्रत्यूष मिहिर सर्क आई डेटाप्लेक्स, साथ में हमने एक INCM1 के बारे में भी देखा था और ये पर्टिकुलर जो मिशन है इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। इसके बाद डिस्कशन करी थी लेपर्ड के बारे में, इसमें मेलानिज्म क्या होता है वो देखा था हमने, और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है इसके बारे में भी हमने जानकारी ली थी। देन वी मूव टू स्टार्स प्रोजेक्ट जो कि एजुकेशन को लेकर है और वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे अलाइन करने की कोशिश करी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ताकि इसके और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स इंप्लीमेंट किए जा सके, अचीव किए जा सके। देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में, अपोजिशन इफेक्ट जो था वो हमने देखा था और इसमें देखा टू डिफरेंट जो आपके प्लैनेट्स होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बड़े और बेटर दिखाई देते हैं, ये जो
आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी अक्टूबर 13 को मिली थी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अब दिसंबर 8 में आपको मिलने वाली है। जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है प्रीलिम्स में बताइएगा, हु प्रिसाइडेड ओवर द ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर वर्चुअल मीटिंग, ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग जो अभी हुई थी उसपे किस कंट्री ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, सोचिएगा ब्रिक्स की ही कोई कंट्री होगी, इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा। मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है वो यहाँ पे देख लीजिए, सो अमिट्स कोविड 19 के बीच में आप इंडियन इकोनॉमी को कैसे रिवाइव कर सकते हैं, ये आपको बताना है और ये netmock.com के ऊपर आपको आंसर करना है और वहां पे आप 150 वर्ड्स में इसका आंसर करिएगा। चलिए, लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया था तो नंदनी तिवारी इज द विनर, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। नंदनी आप हमें netmockprep@gmail.com पे बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। मार्क्स आपने जितना भी स्कोर किया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि आप उसे आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव होता हुआ देख सके। जो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ में ही कोई भी डाउट होता है तो भी आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं या फिर @PrinceLuthra सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं MCQs के वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।